बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर, कह सकते हैं कि एक बड़ी खुशखबरी साल के आखिर में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दे दी है और अब उन्हें एक राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि बीपीएससी के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को मिलती है। अच्छा, नियोजित शिक्षक के बारे में भी बता दूं कि साल 2003 में ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मौका देने के लिए और शिक्षकों की कमी झेल रहे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्र रखने का फैसला किया गया था और उस समय 10th और 12th के बेसिस पर इन शिक्षकों को 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। तो अब बिहार स्कूल स्पेशल टीचर मैनुअल 2023 के तहत इन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के लगभग 4,40,000 नियोजित शिक्षक शामिल है। ये फैसला लिया गया है आज की हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में। जाहिर है इसके बाद शिक्षकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पर ये मानना है कि ये हमारे अधिकार और हक की लड़ाई थी जिसे वो लंबे समय से लड़ रहे थे। अब इस फैसले से क्या कुछ फर्क आएगा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद एनपीएस ग्रेच्युटी, अंतर जिला तबादले का लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। साथ ही आर्थिक लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के 3 मौके मिलेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के वक्त 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जाएगा। परीक्षा के बाद उनके जिले में पोस्टिंग होगी। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा और ये उनकी सेवा के 8 साल पूरे होने पर होगा। प्राथमिक से मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और फिर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षक का लाभ ले सकेंगे। इनमें पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के नियुक्त शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य कर्मी के नए कैडर में शामिल हो जाएंगे।